हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी क्रीमी क्रीमी सी मैंगो शेक। क्योंकि सीज़न गर्मियों का हो और बात आम की ना हो, ये कैसे हो सकता है। आम तो वैसे सभी का फेवरेट होता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए हम लेंगे एक आम जिसे मैंने धो करके और पोंछ लिया है, और इसके बाद इसके छिलके को हम अच्छे से उतार लेंगे। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए जो आम हम चुनेंगे उसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि वो आम अच्छी तरह से पका हुआ हो, तभी हमारा मिल्क शेक जो है वो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी बनेगा और मीठा मीठा बनेगा। तो ये देखिए, मैंने इसके छिलके को हटा लिया है, और इसके बाद जो इसके गूदे वाला हिस्सा है हम उसको इसमें से निकाल लेंगे और गुठली को इससे अलग कर देंगे। बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये बन करके मैंगो मिल्क शेक रेडी हो जाता है, तो क्यों ना इसे घर का बना करके ही दे बच्चों को। और ये देखिए, मैंने सारे गूदों को अलग कर लिया है, तो ये एक आम का पूरा गूदा है। और इसके बाद हम लेंगे एक मिक्सर जार, और इसके अंदर सभी आम के जो पीसेस हैं उसको हम डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मलाई, ये फ्रेश मलाई है। इसे डालने से जो मैंगो मिल्क शेक है ना वो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा बनेगा, तो आप भी इसे ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स, जिससे हमारी जो मिल्क शेक है वो बिल्कुल ठंडी ठंडी बनेगी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास बिल्कुल चिल्ड दूध। तो दूध हम पहले थोड़ा डालकर ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद बाकी का दूध हम इसमें डालेंगे, नहीं तो जो उसके मैंगो के पल्प होते हैं वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होते। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर केसर के कुछ धागे भी डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं कूट करके, पर आम का अपना अलग फ्लेवर होता है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। और ये देखिए, हमारा जो मैंगो मिल्क शेक है वो बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे 1 ग्लास में डालेंगे, और उसके लिए डालेंगे 1 ग्लास में आइस क्यूब्स। और उसके बाद जो हमारा मैंगो मिल्क शेक है उसे हम इसके अंदर पोर करेंगे। तो मैंने एक आम से 3 ग्लास मैंगो मिल्क शेक रेडी किया है। अगर आपको बहुत गाढ़ा पसंद हो तो आप इसमें दूध की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, ये वैसे बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। और इसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे आम के कुछ कटे हुए टुकड़ों से, और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के कुछ कटे हुए टुकड़े। इसमें काजू, पिस्ता और बादाम है, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और ये देखिए, इसके ऊपर हम डाल देंगे, और इसके ऊपर मैंने डाला है रोज़ पेटल्स, मतलब कि जो गुलाब की सूखी हुई पंखड़ियाँ होती हैं ना, उससे मैंने इसे गार्निश किया है। बहुत ही टेम्पटिंग सा लुक आता है। वैसे आप इसके ऊपर चेरी या फिर केसर के कुछ धागे डालकर भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये तैयार है हमारा मैंगो मिल्क शेक, और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही डिशेज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।